सत्कारत हस्तियां आज दे इस छोटे जे लेकिन बहुत अहम समागम दे विच शमूलियत कर रहे संगति रूप दे विच सारे विद्वानां नूं श्रोतियां नूं एक बारी फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। बहुता लंबा समा नहीं लैना मैं आप जी का। गुरबाणी संथिया जिसकी बहुत वड्डी महत्ता है सिख धर्म के अंदर, गुरबाणी सिखण दी, गुरबाणी सिखाउण दी परंपरा सिख धर्म के अंदर नवी नहीं है, बल्कि ज्यों कह दईए अतकथनी नहीं कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के समय तो ही प्रारंभ हुई है। ये अटल सच्चाई है। ये पांच रोजा कार्यशाला लाने का मनोरथ की है? गुरबाणी नूं लिखते वक्त असी सुचेत रहने हैं कि कोई लग मात्र जिहड़ी है छुट ना जावे या लग मात्र वध ना लग जाए। बहुत चंगी गल है। इत्थों तक कि जे किसी आर्टिकल दे विच गुरबाणी की पंक्ति लिखनी पैंदी है एज रेफरेंस, तो उत्थे भी असी ये ध्यान देने हैं कि इस पंक्ति दे विच किते कोई लग मात्र घट लगता नहीं गई या किते कोई लग मात्र वध लगता नहीं गई। असी गुनाह समझते हैं कि जे लग मात्र रह गई या लग मात्र वध लग गई तो किते ये बाणी की बेअदबी ना हो। पर जदों असी उचारदे हैं तो उचारदे वक्त साढ़े अंदर बहुत सारे जिहड़े है वह भेद पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर दे विच रहन वाला सिख जिहड़ा है एक पाठ का उचारण होर तरीके नाल करता है, पंजाब दे विच रहन वाला होर तरीके नाल करता है, जो कोई वैस्ट दे विच उत्थों दा कोई मूल निवासी है वह जदों पाठ करता है तो वह होर तरीके नाल करता है। तो जदों वक्रे वक्रे ढंगां दे नाल या वक्रे वक्रे उचारण जिहड़े है वह पाठ दे कीते जांदे है तो कई वारी असी इस करके इग्नोर मार दिंदे हां कि ये इलाके की समस्या है या ये बोली का जिहड़ा प्रभाव इहदे ते है, इस करके इहदा उचारण जिहड़ा ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पर चलो जो कर रहे हैं उन्हें प्रवान किया जाना चाहिए क्योंकि यदि समस्या नहीं ये इलाके की समस्या है, यदि भाषा की समस्या, यदि बोली की समस्या, क्योंकि होर ढंग नाल बोल रहे। पर कुरान दे विच कुरान का जिहड़ा उचारण किया जाता है पाठां का वह इस पक्षों साढ़े नालों ज़्यादा सावधान सुचेत है। इस्लाम दे विच लोग जिहड़े ने असी लिखती पक्ष तो सुचेत है लेकिन उचारण जिहड़ा पक्ष है साडा इत्थे असी सुचेत नहीं है। इत्थे असी थोड़े जे लचकीले भी हो जाने हैं, ढिले भी हो जाने हैं, थोड़ा जा इग्नोर भी मार दें, थोड़ा जा जतन भी नहीं करते। इहदा नतीजा यह निकलिया कि किते कोई उचारण हो रहा पाठ का, किते कोई हो रहा, किते कोई हो रहा, किते कोई हो रहा, तो अज की जिहड़ी खास तौर पर नौजवान पीढ़ी है वो अंदर एक दुबदा जी जन्म लै रही कि सही की है, फलाना आह उचारण दसदा, फलाना वह उचारण दसदा, फलाना वह दसदा, फलाना आह दसदा। इस्लाम के इस तरह की कुरान का पाठ करते वक्त कोई समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उचारण की जिहड़ी धुनी है या जो भी वो समझौता नहीं करते। जे उन्हां दा कोई जम्मू कश्मीर का है या उन्हां दा कोई अरब दा, क्योंकि शुद्ध बोली जिहड़ी है वह अरब दे विच ही अरबी बोली जाती है, पर वह उन्ना चिर किसी नूं कुरान का पाठ ही नहीं मनते। जे भारत दे विच पैदा होया कोई मुसलमान आ उन्ना चिर उहनूं कुरान का पाठ ही नहीं मनते जिन्ना चिर उहदा उचारण उस तरीके का नहीं हुंदा जिस तरीके का अरब दे विच कीता जांदा। ये उन्हां तों सीध लैण दी मैं समझदा जरूरत है सानूं, ते उहदा इह कोई मुश्किल नहीं है, कोई औखा नहीं है ये स्टैंडर्ड नूं कायम करना।
क्यों? क्योंकि जिमें गुरबाणी लिखी है असी उन्हों उमें दे बोलना शुरू कर दिए तो मैं समझदा कि कोई समस्या रहेगी नहीं, जिमें लिखी है उमें बोलना शुरू कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं आनेगी। तो सारे असी इस एक मत के उत्ते सहमत हो जाइए भी भाई जिमें गुरबाणी लिखी है उमें पढ़ना शुरू कर दिओ। जो तुम किसी को समझाना है उदो तुम उसनों समझा लो, जो तुम उस किसी को अर्थावली समझानी है, किसी को तुम उसकी इंटरप्रिटेशन करके समझानी है, किसी को तुम जो व्याख्याकारी जी है उन्होंने करके दसना है, उदो तुम उन्होंने समझा लो। लेकिन एक तो लिखती रूप दे विच उवें लिखनी है जिवें लिखी है गुरबाणी, और असी लिखते भी हैं, लेकिन अज जिहड़ा साढ़े नोट्स आया है कि इस पक्ष तो भी कितने ना कि छेड़छाड़ जी हो रही है, ये बड़ी सावधानी वाली गल है और वचन वाली गल है। अज तक असी लिखन दे ना लिख गुरबाणी लिखते वक्त कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया भी लग छड़ दिओ या लग वधा दिओ या मात्रा छड़ दिओ या मात्रा वधा दिओ। लेकिन हुण कुछ सिख जिहड़े आ उह लिखती रूप दे विच भी गड़बड़ियां जिहड़ियां उह करन लग पए, एक चिंता का विषय है। तो मौखिक रूप के असी गुरबाणी पढ़ीए तो मकसद एक ही है कि पूरे वर्ल्ड के पूरे विश्व के असी इस समस्या में ही खत्म कर दीए कि इस पाठ का उच्चारण आ होगा जी, इतने ऐ बोलना, इतने ओ बोलना, इतने ऐ बोलना, कोई विद्वान कहता इतने ऐ बोलना, कोई विद्वान कहता इतने ओ बोलना, ये तो समस्या का असी हल कर दीए भी कोई रहे ना जिवें लिखी है उवें बोल दिओ। तो मैं समझदा ये सब तो बेहतर सोल्यूशन है इस समस्या का, और असी ये थोड़ा जा गल करन वास्ते समझाउन वास्ते समझण वास्ते ये पांच रोजा कार्यशाला का आयोजन किया। बड़े विद्वाना ने आप जी को संबोधन होना है बोलना, तो मैं बहुत लंबा समा नहीं लेना, मजबूरी है, इन्ने शब्द जोड़े है मेरे प्रवान करने, बड़े बुलारे ने जिन्होंने आप जी संबोधन करना। मैं अंत के सारे ही विद्वान सज्जनों का प्रबंधकों का बहुत अति शामिल होने वाले जिहड़े विद्यार्थी ने सिख्यार्थी ने सब का ही बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।